जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स की पूजा कर रहे हैं। हमारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम अपने गाने में यूज़ करते हैं, उनकी हम पूजा कर रहे हैं और अपने म्यूज़िक के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। तो आज बसंत पंचमी के दिन हम लोग यही सब करते हैं। एक फ्लावर शीतल के गले में चढ़ाते हैं ना, एक तुम्हारे गले में चढ़ाते हैं। यहाँ भी तो म्यूजिक होता है। हाँ, तो एक तुम्हारे भी गले में चढ़ाते हैं। एडम्स एप्पल कटता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है बसंत पंचमी और हम दोनों की तरफ से आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने अभी पूजा कर ली है, तो अब आगे दिन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तो लगी है बहुत जोर की भूख, तो देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है आज। सब कुछ हम लोगों ने पूरा बसंत पंचमी वाला थीम है हमारा, पूरा बसंत पंचमी वाला थीम देख रहे हो आप। और जब हम कॉलेज में थे ना, तब भी मुझे याद है, हम ऐसे ही बसंत पंचमी का जब सेलिब्रेशन होता था तो हम सब मोस्टली येलो, मतलब इस कलरफुल पहन कर आते थे। तो आज के दिन पे ये हमारे घर में जरूर बनता है पीले चावल, और सरस्वती पूजा के दिन इसको खाया जाता है। मतलब एवरीथिंग येलो, आप देख सकते हो हम लोग भी येलो हैं। सुबह हमारी पूजा वूजा हो गई थी और उसके बाद अब लंच किया हमने, थोड़ा सा काम किया, तो फाइनली अब थोड़ा 10 मिनट का टाइम मिला है थोड़ा काम के बीच में कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। आज बड़ी मस्त धूप निकली है यार। होती है बसंत पंचमी वाले दिन ना, बढ़िया ब्राइट धूप निकलती है, अच्छी खासी धूप निकलती है। वैसे यार एक्सट्रीम गर्मी भी बेकार लगती है मेरे को, एक्सट्रीम सर्दी भी बेकार लगती है। मतलब तो जहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है ना वेदर के साथ, जैसे हमारे यहाँ सर्दी इतनी होती है कि परेशान कर देती है। मतलब दिसंबर जनवरी वाली जब अगर एक सर्दी हमारे काम को अफेक्ट करती है ना, तो मेरे को बड़ा बेकार लगता है। मतलब जो स्ट्रगल करना पड़ता है, ठंड लगती है। एक नॉर्मल पूरे दिन चार चार लेयर डाल के रखो, मुझे नहीं पसंद। मुंबई चले जाओ, सबसे बढ़िया। तो सबसे बढ़िया मार्च का टाइम होता है ना, जैसे मार्च का हो गया सितंबर का, अपना एक टी शर्ट डाली और बढ़िया हो जाता है। एक्सट्रीम वेदर नहीं पसंद, मतलब पूरा साल एक माइल्ड सा रहना चाहिए। नहीं होता भाई, होता इंडिया में सब कुछ देखना पड़ेगा। तो तुम लोग वैसे सरस्वती पूजा में क्या करते थे, स्कूल में कुछ होता था तुम्हारे? टीचर थे हमारे, उनको मंत्र वगैरह सब पता थे, तो वो प्रॉपर हवन होता था और सरस्वती वंदना भी होती थी। और शायद एक बार तो मैंने कुछ शायद बंदिश भी गाई थी। अच्छा। पूरे धनाष्ट्रीय, मतलब ऐसे सोलो छोटा ख्याल मैंने गाया था। लोग जब स्कूल में थे तो सुबह सुबह पता होता था कि आज मैम कॉल रूम में खड़ा करके बढ़िया गाना गवाएगी। वो मुझे माइक के आगे रखती थी, मैं पीछे 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 भागती थी माइक के, फिर मैम पीछे से मुझे धक्का देती थी और मैं फिर से माइक से दूर होती रहती थी। तो ये सुबह सुबह का अलग ही माहौल होता था। सब लोग, सारी टीचर्स जो है वो मतलब ब्राइट कलर्स पहन के आते ना। हाँ, मुझे लगता है कलर्स का कुछ ऐसा है कि ना, जैसे हम अपने एनवायरनमेंट में भी देखते हैं तो प्लांट्स वगैरह सब ग्रीन होने स्टार्ट हो जाते हैं आज से। मतलब नेचर भी ब्राइट कलर्स की तरफ जा रहा है और हम लोग भी ब्राइट कलर्स की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, पूरा साल करते हैं, म्यूजिक करते हैं, तो अच्छा लगता है। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माता को थैंक यू, सरस्वती माता को थैंक यू बोलना। तो ये थी हमारी बसंत पंचमी की कुछ यादें। तो आप लोग भी बताना कमेंट्स में, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो, या आपका अपना स्कूल टाइम का क्या मेमोरीज है, सबकी होती होगी। मतलब मुझे ऐसा और लगता जितने म्यूजिशियंस कनेक्टेड हैं उनका तो मतलब उनकी तो होती होगी। आप लोग बताना कि आप लोग कैसे बसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हो। हम लोग तो बस थोड़ा सा अभी जाएंगे नीचे और कुछ गाएंगे। जब कॉलेज में थे हम लोग तो बढ़िया से अच्छा सा बनता था। सुबह सुबह पूजा होती थी, हम लोग आते थे सुबह, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग 8 बजे जो लोग आते थे वो लोगों को पूजा में बिठाया जाता था। हवन होता था पूजा, प्रॉपर काफी लंबी सरस्वती पूजा होती थी। जैसे हम लोगों ने तो सेवा भी कर रखी है उस समय, वो सुबह वो प्रसाद बनाना और उसके बाद लास्ट में जो वो लंगर लगता था उसमें सबको खिलाना। अरे तुझे वो याद है लास्ट जो बसंत पंचमी थी उसकी हमारे पास कुछ फोटोज थी ना? हाँ, हम सब ने, मेरे को लगता है हमारे पास सारी है, सारी है वैसे तो। कुछ हम देखते हैं अगर हमें मिलती है फोटोज, वैसे तो मिली जाएगी बट कितनी मिलेगी मुझे नहीं पता, बैकअप मेरे को चेक करना पड़ेगा। मेरे पास तो अगर, वो तो है जो लास्ट तो लास्ट तो मेरे पास भी है बट उससे पहले वाली मुझे क्लियरली याद नहीं है कि मैंने सेव किया है। हम आपको दिखाएंगे वो फोटो। हाँ, वो शेयर करेंगे हम। बस यही फर्क है, उस टाइम मेरे हाथ में चूड़ा नहीं था, आज तेरे हाथ में चूड़ा है। वो टाइम ज्यादा अच्छा था ना? नहीं, सभी टाइम अच्छे हैं। वो टाइम ज्यादा अच्छा था जब हाथ में चूड़ा नहीं था, सारे अच्छे। तो ये तो तुम बताओगे, तुम्हारा अब का टाइम ज्यादा अच्छा है या पहले का टाइम ज्यादा अच्छा? दोनों अच्छे हैं। अच्छा बुरा क्या होता है, मन का वहम है इंसान का।
ये तुम दुख में बोल रहे हो या तुम ये खुशी में बोल रहे हो, ये भी बता दो दुनिया को। कुछ है गम तो बता दो, थोड़ा अगर है तो, कोई तकलीफ है? शक्ल देखियो, इस इनोसेंट शक्ल के पीछे ना बहुत खुराफाती इंसान है। अभी तो आप, अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। ऐसा होता है, खुराफाती इंसान ही क्रिएटिव होता है, जो खुराफाती नहीं होता वो कभी क्रिएटिव नहीं होता। मैं भी क्रिएटिव हूँ। हाँ तो तू भी खुराफाती है, उसमें कोई शक थोड़ी ना है। चलो नीचे चलते हैं यार अब। चलो चल रहा है व्लॉग पे काम, जल्दी ये वाला व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा। विशाल कब तक करेंगे हम लोग ये व्लॉग अपलोड? आई थिंक आज एडिटिंग खत्म हो जाएगी तो देखते हैं परसों तक डाल सकते हैं। हो जाएगा तब तक? हो जाएगा, आज एडिटिंग इसकी फिनिश हो जाएगी फिर परसों। जल्दी जल्दी करना है आप सब। हाँ हो जाएगा, इतना ज़्यादा इसमें नहीं रहता। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक ये व्लॉग आ चुका होगा। हम लोग भी अपनी स्पीड अप कर रहे हैं। हाँ क्योंकि अभी हमने काम करना था, नया स्टार्ट करा है, मतलब ये अभी तक जो हमारा रूटीन था वो भी फुल डे पैक्ड होता था, अभी एक नई चीज़ ऐड हो गई है तो इस टाइम को भी मैनेज करना पड़ा, मतलब अभी स्क्वीजिंग करना पड़ रहा है, धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं, तो हो जाएगा विद थोड़ा सा प्रैक्टिस। हो जाएगा हो जाएगा। तो अभी हम ब्लॉग एडिट कर रहे थे और हम एक ही शॉट को बार बार देख रहे हैं ना, तो पिछले दो घंटे से हम ब्लॉग एडिट कर रहे हैं तो सेम कंटेंट, हमारी सेम बोली स्पीच हमारे सामने आ रही है, हमें वही फनी लग रही है बहुत। ऐसा होता है ना जब एक ही चीज पे काम करते हैं ना तो वो बार बार रिपीटेशन में, जब मतलब 5 मिनट की वीडियो पिछले 2 घंटे से एडिट हो रही है, चीजें हो रही है या जो भी है, तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जो बहुत ज्यादा यूज करे वो माइंड में गूंजने लग गए। विशाल की आदत है, वो एक ही बात को ना पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बोलता है। तो वो ऐसा लग रहा है साधु संतों की तरह प्रवचन, पूरा प्रवचन। अभी हम नए हैं यार ब्लॉगिंग, इतनी बड़ी दाढ़ी में दाढ़ी कर लेता, इतनी बड़ी, इतने मतलब लव चार्जर। मैं कह रही हूँ अभी हम नए हैं ना ब्लॉगिंग में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको यूज टू होने में और इसको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। अभी तो खुद को ही हंसी आएगी। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग व्लॉग एडिट कर रहे हैं। बहुत एफर्ट लगता है यार एक वीडियो को एडिट करने में, पहले उसको शूट करने में और उसके बाद उसको एडिट करने में सबसे ज्यादा हालत खराब होती है। तो शूट मतलब, करना तो फिर भी एक फ्लो है कि जो नेचुरली चल रहा है वो शूट हो गया, बट एडिट करना है कि मतलब जो बेस्ट पार्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट्स वो दिखाने हैं। भाई हैट्स ऑफ जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं। हाँ। और कैसे करते हैं वो समझ नहीं आ रहा मुझे। मे बी वो फुल टाइम उनका यही काम है, बट स्टिल मतलब एफर्ट तो है ना, उसको रोज रोज पोस्ट करना और रोज एडिट करना, एफर्ट बहुत लगता है इसमें। सही में अब हम लोग कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, बाकी देखते हैं आगे कैसा जाएगा। तो यार इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि जो हमारा एफर्ट है उस पे हमको और मोटिवेशन मिले उसको करने के लिए, तो और हम ऐसे ही बनाते रहे क्योंकि हमें मजा भी आ रहा है। मतलब ठीक है एफर्ट तो हर चीज में लगता है बट मजा अपना है इसमें। तो ये था हमारा आज का दिन और अभी बस हम व्लॉग एडिट करके ही उठे हैं, अब सोने की तैयारी हो रही है, बहुत थक गए हैं, काफी लंबा दिन था आज क्योंकि हम उठ भी थोड़ा सुबह बसंत पंचमी थी तो थोड़ा हम जल्दी ही उठ गए थे क्योंकि हमें पूजा वगैरह करनी थी। तो मिलते हैं आगे अपने नए व्लॉग के साथ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लाइंड अप है और अगर आपका कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।